हम सच बोलेंगे और सच छुप नहीं सकता। कुछ लोग दिन रात हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दों को लेकर के टीआरपी का खेल नचा रहे हैं, और एक तरफ एक बच्ची जो एक्टिविस्ट है आप उसको अरेस्ट करते हैं। जब अंग्रेज नहीं रह पाए यहाँ पे तो ये क्या रहेंगे आप। आज जो सबसे प्रमुख मुद्दा पूरे देश में है कि आवाज़ दबाई जा रही है, हर उस आवाज़ को दबा दिया जाता है जो सरकार के खिलाफ उठती है, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिसको दबाया नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्र नेतृत्व है उनका ये मानना है कि इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, इस बात को इकट्ठा करना है, क्योंकि अलग अलग जो सेक्टर है उनको टुकड़े टुकड़े में बांध करके ये अलग अलग नाम दे देते हैं। जब स्टूडेंट्स इनका विरोध करते हैं तब उन्हें टुकड़े टुकड़े कहते हैं, जब किसान करते हैं तब उसे खालिस्तानी कह देते हैं, और जिनको नौकरी से निकाल रहे हैं उन बेचारों को तो इतना डंडा मारते हैं कि उनकी बात तक नहीं पहुंच पाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम गाँव में भी पहुँच सकते हैं, शहर में तो हम बहुत अच्छे से हैं ही, लेकिन हम ग्रामीण के उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां पे कई सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। हमारी जो आज सोशल मीडिया की टीम है, जो नीरज कंदन जी ने आदेश दिया है कि हमें सही को सही बोलने की हिम्मत देनी है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें सही बात सिखानी है उनके ट्रेनिंग के माध्यम से कि आप कैसे अपने हक की बातें आगे रख सकते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं रिपब्लिक चैनल के जो बहुत बड़े एंकर हैं अर्णब गोस्वामी जी, उनका चैट लीक होता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ बैठा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ये बात को तो साफ तौर पर बता सकता है कि 3-4 दिन पहले लोगों को राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उनके व्हाट्सएप चैट में पड़े रहते हैं, उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, जबकि छोटी मोटी बात नहीं है। कश्मीर में बहुत बड़ा बम धमाका होता है जिसमें हमारे 40 जवान मारे जाते हैं, ऐसी स्थिति में जब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और एक तरफ दिशा रवि जैसी एक्टिविस्ट, उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ इस चीज़ में लगा दिया है कि हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग में करें, कैसे एनिमल सेफ्टी में काम करें, तो हम एक तरफ हमें समझना पड़ेगा कि कुछ लोग दिन रात हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दों को लेकर के टीआरपी का खेल नचा रहे हैं, और एक तरफ एक बच्ची जो एक्टिविस्ट है जो सोशल डेवलपमेंट में काम कर रही है कि कैसे हम लोगों को जागरूक करें, आप उसको अरेस्ट करते हैं। देखिए, हम सच बोलेंगे और सच छुप नहीं सकता, और देर होती है अंधेर नहीं, ऐसा हमारा शुरू से मानना है, और जब अंग्रेज नहीं रह पाए यहाँ पे तो ये क्या रहेंगे आप। मेरा ये मानना है कि जिसमें टैलेंट होता है उसको ज़रूर जगह मिलता है, और हमारे कांग्रेस पार्टी में बिना स्क्रीनिंग के किसी व्यक्ति को आगे आने का मौका नहीं मिलता, सबको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। आपकी मेहनत देखी जाती है, आपका लगन देखा जाता है, आपको हर उस सिचुएशन में रखा जाता है कि आप पार्टी की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इसके मूल हैं, आप इसको समझें। आप जब तक इसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक आगे की आपके मतलब कोई चांस नहीं है। तो मेरा मानना है कि पार्टी ने मुझे इतना परखा है तब मुझे मौका दिया है। मैं भी एक आदिवासी हूँ, जो नियम कानून बने हैं उसी नियम कानून के तहत हुई थी, और ये सारे लोग वहाँ पे जो सरकारी व्यवस्था होती है, एक प्रक्रिया है, सारी प्रक्रियाओं का ध्यान रखा गया था, लेकिन उस समय जैसा माहौल था उस समय हम तैयार थे लेने के लिए, लेकिन अब जिस प्रकार से मेरे भाई एक ऐसे पद में है जिसके लिए ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, तो हम चाहते हैं कि हम इस विवाद से दूर रहें। एक छोटा सा किसानी करने का एक कोशिश था, लेकिन अब उसमें भी राजनीतिक तौर पे हमारे भाई को घसीटा जा रहा है, तो हमने निर्णय लिया है कि हम अब ये डीड कैंसिल करें। देखिए, सीधी सी बात है, अगर ट्विटर में ट्रेंड हो रहा है मतलब कई सारे लोगों का ये आवाज़ है कि नौकरी दो या डिग्री वापस लो, क्योंकि एक जो स्टूडेंट्स होता है वो बहुत मन लगा करके पढ़ाई करता है, और जब वो पढ़ने जाता है तो उसके माँ बाप भी उतनी मेहनत करते हैं, कई लोग लोन लेते हैं, कई लोग
अपनी जमी पूंजी को लगा करके अपने बच्चों को तैयार कराते हैं, उनको डिग्री दिलाते हैं, लेकिन आज की स्थिति में 15 करोड़ से अधिक नौकरियां जा चुकी हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल आएगा, और कोरोना के बाद से तो 15 करोड़ पार हो गया है, और इन लोगों ने डाटा छुपाना भी चालू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि 15 करोड़ तो नहीं, 20 करोड़ के लगभग लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में नौकरी दो या डिग्री वापस लो जो ये अभियान है, ये बहुत अभी तो ये छोटे पैमाने पे ही दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम सड़कों पर भी उतरेंगे, हम सरकार को भी घेरेंगे। रोचक खबरों के लिए topchand.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।